डीपीओ अजनी और सैयद हुसैन हैदर साहब ने कहा है कि जश्न आजादी के मौके पर शहर के अंदरूनी और बिरूनी रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। दरिया चनाब और दीगर अहम मुकाम पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। आवाम के जानो माल के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए चनियोट पुलिस हर लम्हा कोशिश है। इस मौके पर आपका मजीद कहना था कि नौजवान जश्न आजादी के मौके पर वन व्हीलिंग और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों से इज्तनाब करें, जबकि कानून हाथ में लेने वालों को किसी किस्म की राहत नहीं दी जाएगी। आजादी 14 अगस्त के हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस चनियोट ने मुकम्मल इंतजाम किए हैं। हमने जो हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वहाँ पे सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है उसका बाकायदा ऑर्डर इशू किया है। हमारे जो शहर के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे मॉनिटर होंगे। इसके अलावा ऐसे तमाम मकामात जहाँ पे हुलड़बाजी या वन व्हीलिंग जो है वो उसके लिए वल्नरेबल हैं, तो हमने उन तमाम पॉइंट्स के ऊपर अपनी हैवी डिप्लॉयमेंट की है ताकि ऐसा कोई वाकया ना हो सके। मैं चनियोट के जो शहरी हैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि काइंडली अपने बच्चों को इस बात का इदराक दें कि वन व्हीलिंग जानलेवा है। वन व्हीलिंग जो है ये चंद मिनट का खेल है लेकिन इसके नतायज बहुत बुरे हैं, तो अपने बच्चों को मोटरसाइकिल्स मत दें, उनको इस बात की अवेयरनेस दें कि वो वन व्हीलिंग ना करें। शहर में अगर हमने खुद भी कैंपेन्स चलाई हैं वन व्हीलिंग के अगेंस्ट, शहर में अगर इसके बावजूद भी कोई वन व्हीलिंग करता है तो उसके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ यहाँ पे दरिया का एरिया है जहाँ पे गैदरिंग्स होती हैं 14 अगस्त के हवाले से, तो हमने वहाँ पर भी अपनी हैवी डिप्लॉयमेंट रखी है ताकि कोई भी अनटूवर्ड इंसीडेंट जो है वो वकूफ़ पज़ीर ना हो।